हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं झारखंड नौलखा मंदिर। आज एक रानी के बारे में जानेंगे जो कलकत्ता पथुरिया घाट की रहने वाली थी शाही परिवार से। से आगे की घटना, एक पत्नी और एक मां की, जिन्होंने अपने शुरुआती उम्र में ही अपने पति अक्षय घोष और बेटा जतिंद्र घोष की अचानक निधन होने के बाद रानी चारुशीला दुखी होकर श्री श्री बालानंद ब्रह्मचारी महाराज जी के शरण में गई, उस समय जो कि बिहार राज्य में था। रानी को दुखी देखकर महाराज जी ने सुझाव दिया, एक मंदिर बनाओ जो कि बेटा और पति योगो योगो तक अमर रहे। उस समय मंदिर के निर्माण के लिए जो जगह रानी ने सोच के रखा था तपोवन में, बाद में रानी को सपना आया वो जगह पे मंदिर होना नहीं चाहिए। फिर रानी ने वहां से 6.5 किलोमीटर दूर करनीवाद में मंदिर बनवाया। उस समय इस मंदिर को बनाने के लिए डिजाइन और आर्किटेक्चर कालिदास रॉय ने किया था, जो कि कलकत्ता के मूल निवासी थे। इस मंदिर के अंदर जाने के लिए दो साइड में दो सीढ़ी है। इस सीढ़ी से मंदिर के अंदर जाके मंदिर का दर्शन करना पड़ता है। इस मंदिर में रानी चारुशीला दासी की जो मूर्ति है वो सफेद पत्थर से बनाया गया है। रानी चारुशीला की जन्म हुआ था 1885 में और उनकी निधन हुआ था 1959 में। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसीलिए हम आप लोगों को मंदिर का अंदर का व्यूज दिखा नहीं पा रहे। मंदिर के अंदर डिजाइन बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है, बहुत ही सुंदर है। इस टोटल मंदिर को पत्थर से बनाया गया है और इस मंदिर के आसपास चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ और हरियाली है। और इस मंदिर के हाइट 146 फीट है और ये कई वर्ग में फैला हुआ है। इस मंदिर को बनाने के लिए काम स्टार्ट हुआ 1936 से और मंदिर कंप्लीट हुआ 1941 में। इस मंदिर को बनाने के लिए लगभग 5 साल लगा। इस मंदिर के ऊपर एक साइड में बाल गोपाल और एक साइड में श्री श्री बालानंद ब्रह्मचारी महाराज जी विराजमान हैं। और इस मंदिर के निर्माण के लिए 9 लाख खर्चा लगा था, जिस वजह से आज इस मंदिर को नौलखा मंदिर के नाम से जाना जाते हैं। इस मंदिर के निर्माण के समय से जुगल मंदिर के नाम से जाना जाते हैं। श्रीमती चारुशीला दासी की निधन के 28 साल के बीच तक इस मंदिर के देखभाल के लिए 5 लोगों का ट्रस्ट बनाया गया था, जो कि साल 1987 में कुछ आपसी विवाद के कारण समस्या हुआ था।
उसके बाद से ये केस कलकत्ता हाई कोर्ट के पास है, जो अभी भी चल रहा है। ये मंदिर पहले बिहार सरकार के देखरेख में था, उसके बाद 2000 साल में अलग राज्य झारखंड होने के बजाय से झारखंड सरकार के देखरेख में है। अब ये नौलखा मंदिर करनीवाद झारखंड में है। इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।